हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं MI की 30,000 एमएच वाली पावर बैंक के बारे में। यहाँ पे MI ने अपनी 30,000 एमएच वाली पावर बैंक को लॉन्च कर दिया था, जो कि क्राउड फंडिंग में सबसे पहले निकाली गई थी और अभी ये आपको अवेलेबल भी हो गई वेबसाइट पे। तो इस पावर बैंक को मैं 2-3 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे कैसा अभी तक एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग टाइम क्या है इस पावर बैंक का, कितने फोन्स को एक बार में चार्ज कर देती है, क्या सारी चीजें हैं, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर इस पावर बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे पावर बैंक डेफिनेटली काफी मोटी है, उसके बाद काफी भारी भी है। और यहाँ पे आपको जो एक चीज देखने को मिलती है वो ये कि यहाँ पे आप इसको इजीली एक जगह से दूसरे के ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि पॉकेट में रख के तो ट्रैवल नहीं कर सकते डेफिनेटली। हाँ, अगर आप अपने बैग के साथ ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप अपने बैग में इसको जरूर रख सकते हैं और फिर इसको एक जगह से दूसरे के ले जा सकते हैं, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपनी कार में हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको आप अपनी पॉकेट में रख के ट्रैवल कर लें तो वो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे कितनी देर में चार्ज हो जाती है, अगर हम बात करें 18 वॉट्स की चार्जिंग के साथ, दोस्तों 24 वॉट्स के साथ अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन 18 वॉट्स की चार्जिंग के साथ इसको 6-7 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं चार्ज होने में, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग टाइम है 30,000 एमएच की पावर बैंक के हिसाब से। यानी कि जब मैं 20,000 एमएच की एमआई की पावर बैंक यूज़ करता था, उसको चार्ज होने में करीब करीब 4 घंटे लग जाते थे, 4-4.5 घंटे लगते थे, लेकिन इस पावर बैंक को चार्ज होने में 7 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम देखें तो 20,000 एमएच की पावर बैंक 4 घंटे के अंडर में चार्ज हो जाती थी 18 वॉट्स की चार्जिंग पे, और इस पावर बैंक जो कि 30,000 एमएच यानी कि 10,000 एमएच और बढ़ जाती है, चार्जिंग टाइम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है 18 वॉट्स की चार्जिंग के साथ। हाँ, अगर आप 24 वॉट्स की चार्जिंग यूज कर रहे हैं तो ये 4-4.5 घंटे या 5 घंटे में आराम से फुल चार्ज हो जाएगी, तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन 24 वॉट्स का चार्जर फिर उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपके पास 24 वॉट्स का चार्जर है, 33 वॉट्स का चार्जर है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास 18 वॉट्स का चार्जर है तो आपको उसको चार्ज करने में पूरा का पूरा एक दिन देना पड़ेगा। मतलब आपने सुबह इसको चार्जिंग पे लगाया, शाम को आप अगर इसको निकालेंगे तो शायद ये पावर बैंक फुल चार्ज हो जाए, लेकिन एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये पावर बैंक आराम से आपके साथ करीबन 2-3 हफ्ते आराम से टिक जाएगी। अगर आप नॉर्मल यूसेज पे, यानी कि कभी कभी आपको पावर बैंक पे फोन लगाने की जरूरत पड़ती है, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आपको कभी कभी आपको सॉकेट नहीं मिल रहा, आपका फोन डाउन है, तो आपको इसको लगाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो आपका आराम से 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो ये जो पावर बैंक है वो आराम से पूरा टूर 2-3 दिन का कवर कर सकती है आपके साथ, और यहाँ पे आपके फोन को बिल्कुल भी डेड नहीं होने देगी। तो वो एक काफी अच्छी चीज है जो मेरे को इस पावर बैंक की लगी। अभी मैंने इसको 2-3 हफ्ते में यूज किया, एक बार मैंने इसको फुल चार्ज किया था, फिर इसको यूज किया, इसको पूरा पूरा डाउन हो गया। इस पावर बैंक से मैंने 2 बार 5-5,000 एमएच की फोन को चार्ज किया, और दोस्तों बाकी 3-4 बार हमने इसमें आईफोन को चार्ज किया, तो वो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पे पावर बैंक डेफिनेटली अच्छा पावर आउटपुट देती है, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप आराम से अपने फोन को चार्ज करें तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मतलब डिले जो होता है बहुत ज्यादा चार्जिंग टाइम नहीं बढ़ता है फोन का थोड़ा, लेकिन आपको लगेगा कि जो चार्जिंग है वो स्लो हो रही है 18 वॉट्स की। अगर आपका फोन चार्जिंग सपोर्ट करता है लेकिन चार्जिंग आपको लगी कि थोड़ी स्लो हो रही है, 18 वॉट्स जैसी चार्जिंग आपको फील नहीं होगी, तो वो एक चीज है जो आप नोटिस करेंगे। दोस्तों, ये है अभी तक के पूरे एक्सपीरियंस इस पावर बैंक के साथ। पावर बैंक कैसी लगी, मोटी ज़्यादा है, ट्रैवल नहीं कर सकते जैसे दूसरे के, चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है 18 वॉट्स की चार्जिंग के साथ, क्योंकि हम हर जगह 18 वॉट्स का चार्जर है, 24 वॉट्स का चार्जर शायद हमें ना मिले तो हमें 18 वॉट्स का चार्जर तो आजकल कॉमन हो गया, तो उसके साथ चार्ज करना पड़ेगा और उसमें इसमें बहुत टाइम लगता है चार्ज होने में, तो वो एक प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करेंगे अगर आप इस पावर बैंक को ले रहे हैं। तो ये है पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।